अपने शैतान जीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से। दिलों को बेतखूब जानता है, देखती आंखों और सुनते कानों को। मेरी तरफ से बेतहाशा दुआ सलाम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें और पुरसकून के ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। आमीन। ढेर सारी दुआओं के साथ इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने जूस नहीं बनाया है, किसी फ्रूट का ये जूस नहीं है, बल्कि ये मैंने बनाया है मसाला। सुबह का टाइम है, जुमा। सबसे पहले आपको, आप सबको मेरी तरफ से जुमातुल मुबारक बहुत बहुत हो। और हाँ, इतना खूबसूरत दिन है। और इसके साथ मैं आज बना रही हूँ चने, वो भी लाहौरी स्टाइल में चने बना रही हूँ। कैसे बनाऊँगी, मैंने पहले प्याज, दो तक मेरे पास प्याज थे, और इसके साथ था लहसुन के 3 बड़े चम्मच, यानी कि जवे से सिर्फ कर दें जवे। और इस ये यानी कि ऐसे सिर्फ दो बूटे जिसको कह सकते हैं आप, ये थे। और मैंने छील के उसको पहले ऑयल में ये फ्राई कर दिया। फ्राई करने के बाद इसमें डाला, और 15-16 मेरे पास साबुत काली मिर्च होगी वो मैंने डाली है ब्लेंडर में, और 2 टमाटर डाले हैं बड़े साइज़ के, क्योंकि और इसके साथ मैंने डाले हैं पानी डाला है थोड़ा सा, उसको मैंने ब्लेंड करके, और ये पेस्ट तैयार हो गया, ठीक है। और ये इसके साथ है 1 बड़ा चम्मच भर के मेरे पास है पिसा हुआ सूखा धनिया, और हल्दी है 1 चम्मच, और दड़ा मिर्च 1 चम्मच, और ये ब्लैक पेपर है, सॉरी ब्लैक सॉल्ट है, और इसके साथ जो है जो डेली यूज़ करने वाला सॉल्ट है, ये दोनों मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी ली है, इससे अच्छा सा जायका आ जाएगा। और ये हसबे ज़रूरत आप यूज़ करें, जो यानी कि जो आप जितना इस्तेमाल करते हैं, और साथ थोड़ी सी लाल मिर्च पिसी हुई, क्योंकि मेरे पास ये 1/2 kg से ज़्यादा मेरे पास चने हैं, ये मैंने परसों बॉयल करके डीफ्रोस्ट कर दिए थे। चलें जी, अब इनको स्टार्ट करते हैं। और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, पहले मैं डालूँगी इसमें तेल, ठीक, सारा पेस्ट निकल गया, और हवा इतनी ज़बरदस्त चल रही है जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा जी, जब ये होगा थोड़ा सा छोड़ेगा थोड़ा सा, ये देखिए सही बना है मसाला, सही पेस्ट बना है माशाल्लाह से। काली मिर्च भी नज़र नहीं आ रही है, वो भी सही है अल्हम्दुलिल्लाह, तैयार हुई है पीस के बीच में थोड़ा सा। ये जब होता है यानी कि हल्का सा 2-4 मिनट इसको भूनते हैं। अभी मैं थोड़ी देर आपको बाहर का नज़ारा करा देती हूँ, बाहर भी इतना खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है, और हवा भी चल रही है तकरीबन जो है, ये देखें आश हवा भी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। चौ बर्तन धोए थे, फिर दोबारा हो गए बर्तनों के बारे में तो पूछे ना, देर बन जाए। क्योंकि ये इसको ज़्यादा मैं रोस्ट नहीं करूँगी, यानी कि बुनाई नहीं इसकी करूँगी इस मसाले की, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने उसको क्या कहते हैं प्याज और लहसुन को मैंने फ्राई करके डाल दिया पहले, और अब इसमें ये सारे मसाले डालेंगे जो मैंने आपको बताया था, बड़े ही तैयार होने वाली रेसिपी है ये। ये है कि आप मसाले वगैरह डाल के ना इसकी 8-10 मिनट बुनाई अच्छी सी करनी होगी, इसके बाद फिर करेंगे चने डालना। अच्छा, फ्रीजर से निकले हुए होते हैं तो जुड़े हुए थे, तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा पानी में डाल लें, तो फिर मैंने पानी में डाल के दें तो थोड़ा सा छान लिया है चने को, तेज़ में खा लेंगे मसाला हमारा तैयार हो गया। इसलिए माशाल्लाह इतनी अच्छी आ रही है माशाल्लाह, जब ऐसे कोई हो जाए और ऐसे ही हो जाए मसाला, तब इसमें डालेंगे चने, ठीक है, और ये साथ साथ साइड पे रखते रहेंगे
अब भुने हुए मसाले में तकरीबन 8 से 10 मिनट फिर इसको दोबारा मसाले में हम करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से इन मसाला रख कर जाए। शोरबे वाले नहीं बनाएंगे, ग्रेवी वाले बनाएंगे। चलिए आज देखें कैसे बनते हैं। और फाइनली जी मेरे चने पक के तैयार हो गए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। जा रहे हैं, खुश रहें और आबाद रहें और 5 वक्त नमाज़ पढ़ते रहें और अल्लाह पाक को याद करते रहें। दुआ कहूँ कि अल्लाह पाक आपको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और आपके ख्याल हमें भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।